इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर वर्सा। वर्सा जो होते हैं सैक्स होते हैं सिक्रीटिंग साइनोवियल फ्लूड इंटरनली दैट लेसन द फ्रिक्शन बिटवीन सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड जॉइंट। जब हमारे पास जॉइंट बनता है तो जॉइंट्स जब बन रहे होते हैं डिफरेंट, उन जॉइंट्स के दरमियान ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यूज भी पड़े होते हैं, हमारे पास मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, तो जब मूवमेंट हो रही होती है तो उनके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ना कुछ सैकनुमा थैलियाँ सी होती हैं जो हमारे जॉइंट्स के पास पड़ी होती हैं, उसमें से फ्लूड सिक्रीट हो रहा होता है। वो फ्लूड को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूड। वो फ्लूड फिर क्या कर रहा होता है, हमारी फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है और हमारी मूवमेंट को स्मूथ और एक्यूरेटली हो रही होती है। उसके अंदर कोई भी डिजनरेशन वगैरह कार्टिलेज के इस तरह की नहीं होती क्योंकि हमारे पास बर्सास होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि बर्सा बेसिकली है क्या चीज़। अब अगर हम शोल्डर जॉइंट की एग्जाम्पल लें तो शोल्डर जॉइंट के अंदर हमारे पास जो मेन सेवरल बर्सास जो हैं वो ये हैं। एक होता है हमारे पास सब स्कैपुलारिस, दूसरा है सब कोराकोड एंड थर्ड वन इज़ द सब अक्रोनिया। सब मतलब नीचे, स्कैपुलारिस हमारे पास जो स्कैपुला होता है ना, हमारी स्कैपुला मैंने बोन बनाई है एक स्कैपुला, उसकी दो साइड्स होती है, एक आगे वाली एक होती है पीछे वाली पोस्टीरियर। एंटीरियरली जिसने जो है हमारी थोरैसिक केज के साथ जो है वो बनाया होता है जॉइंट बनाया होता है, उसकी सरफेस में मसल होता है, इसको नाम देते हैं सब स्कैपुलरिस मसल। उस सब स्कैपुलरिस में ये आपको जो ग्रीन इन कलर जो शो हो रहा है ये होता है हमारे पास सब स्कैपुलरिस बर्सा। ये यहाँ पर होता है, ये क्या काम कर रहा होता है, जब हमारे पास हमारे जॉइंट के ऊपर जैसे मूवमेंट्स हो रही होती हैं तो उस टाइम के ऊपर जब हमारे इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, अपर फाइबर्स होते हैं मेनली, जब हम शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट्स करेंगे तो जो कुछ फाइबर्स जिन्होंने राउंड किया होता है, ये देखिए कोराकोइड प्रोसेस इसके बिल्कुल पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास जो होता है ये इसका नेक ऑफ क्या होता है, ये नेक ऑफ ह्यूमरस बोन है, तो इनके जो होता है ना वो इनके दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही थी ना मूवमेंट के दौरान उसको मैनेज कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास बर्सा होता है सब कोराकोइड बर्सा। सब कोराकोइड, ये कोराकोइड प्रोसेस होता है स्कैपुला का, और इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास पड़ा होता है क्या, सब कोराकोइड बर्सा। ये बर्सा भी हमारे पास जो होता है ना, जब हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है ना, हमारा जो शोल्डर उसके ऊपर मूवमेंट्स हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे ये जो है ना उसके जब हम मेनली जब हम मूवमेंट्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने का। और उसमें उसके अलावा हमारे पास होता है सब अक्रोमियल बर्सा। तो सब अक्रोमियल ये होता है हमारे पास क्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का, तो इसके बिल्कुल नीचे ही हमारे पास ये ग्रीन इन कलर जो आपको शो रहा है ये होता है हमारे पास कौन सा, सब अक्रोमियल बर्सा। सब अक्रोमियल बर्सा जो होता है एज इट इज़ ये भी फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है भाई। अब जब हम मेनली बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, ओवर हेड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं अपने शोल्डर पे, तो समटाइम्स ये बर्सा जो होता है ना वो इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं जिसको बर्साइटिस वगैरह कहते हैं। तो ये था हमारे पास जनरल सा कि बेसिकली बर्सा होता क्या और शोल्डर जॉइंट के अंदर कौन कौन से मेन बर्सास।